हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और वेट कर रहे होंगे कि ICER का जो है थर्ड राउंड कब तक आ सकता है। फॉर बता दें कि ICER की जो ऑफिशियल साइट्स है उस पर आप एक बार जाके देखोगे तो ऑफिशियल साइट पे जो है थर्ड राउंड के रिजल्ट के लिए जो डेट दी गई है वो आज शाम 5 बजे की है, जो कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा क्योंकि आज का डेट अप्रोक्स हो चुका है, ठीक है। और वेट भी आपका होने वाला है कि आपका जो है 5 बजे तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि आप जिसको सबको पता है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो आपका रिजल्ट आया था वो अप्रोक्स 8 या 9 o'clock के आया था। तो जो भी स्टूडेंट ICER के थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे जब अपडेट करते हैं तो पहले साइट से वो मेंटेनेंस मोड में जाती है। मेंटेनेंस मोड के जाने के बाद कुछ 1-2 या 2 घंटे के बाद आपका रिजल्ट है वो शो हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यही कि आपको जो है कब तक आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद किस किस को कितनी रैंक पर सीट इस बार थर्ड राउंड में अलॉट होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या वो थर्ड राउंड के बाद भी अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा, इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद यहाँ पे आप जैसे सर्च करोगे RK एजुकेशन, ठीक है, RK एजुकेशन आप सर्च करने पे आपको यहाँ पे अपना मेरा जो है अपना ऑफिशियल जो है अकाउंट मिल जाएगा। देखिए RK एजुकेशन नाम से मिलेगा, ठीक है। ये अकाउंट मिलने के बाद यहाँ पे मैंने सारे पोस्ट कर रखे हैं, देख सकते हो 7 पोस्ट मैंने इसी आपके लिए ही कर रखे हैं। सारी वीडियोस की लिंक ICER से रिलेटेड जितना भी लिंक है पुराने वीडियोस के सबके लिंक दे रखा है, यहाँ से आप लिंक है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यदि फिर भी यदि किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी हो, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में सीट अलॉट हुआ है, तो वो यहाँ से आपको मैसेज करके या DM करके हमसे डिस्कस कर सकता है पहुँचे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट RPUC डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर से सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकंड राउंड हो या मोपअप राउंड हो या इस थर्ड राउंड में जो सीट मिलने वाला है, उसने मैंने एक टेलीग्राम नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम के लिए जो कि RPUC पूसा समस्तीपुर इसको अलॉट हुआ वो हमको वहाँ पर DM करें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गया है, ठीक है, वो अपग्रेड किया, ठीक है, जिन्होंने सीट को अपग्रेड किया है उसको वो BSc एग्रीकल्चर के लिए लास्ट राउंड में फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जो भी सीट अलॉट हुआ है फॉर BSc एग्रीकल्चर के लिए एंड हॉर्टिकल्चर के लिए एंड फिशरीज के लिए एंड फॉरेस्ट्री के लिए एंड BTech के जितने भी कोर्सेज हैं उनके जिसके लिए सीट अलॉट है वो उन्होंने अपग्रेड किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या थर्ड राउंड के बाद में आप जो है सीट को अपग्रेड कर सकते हो क्या, ठीक है। तो थर्ड राउंड के बाद अपग्रेड नहीं कर सकते हो, जिसने उस स्टूडेंट में थर्ड राउंड में सीट अलॉट होती है, ठीक है, वो जो है उसके बाद में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। मोपअप राउंड के लिए आपका होगा तो सीट यदि रहती है यदि तीन यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से ज़्यादा यदि आपका सीट रहता है तो मोपअप राउंड की उसकी प्रोसेस है वो आगे करवाए जाएंगे। आप देख सकते हो कि मोपअप राउंड जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। चॉइस फिलिंग आपको करना होगा। उससे पहले आपकी जो भी डेट्स हैं वो एक बार आप डेट्स देख लें कि आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो वेरीफिकेशन है, उसके बाद फीस वेरीफिकेशन है, ये सारे आपको करने होंगे, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट का हम लॉग इन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको क्या होने वाला है, ठीक है। आगे की जो प्रोसेस है उसमें आपको देख सकते हो कि इस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड, ठीक है, सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। अब तो थर्ड राउंड में इसको सीट यदि अलॉट होगा तो थर्ड राउंड में यहाँ पे ऑप्शन जो आया है काउंसलिंग राउंड में, तो यहाँ पे थर्ड राउंड आपका एक और जुड़ जाएगा। यहाँ पे इसको सीट अलॉट होगी तो कोर्स आपका जो है कौन सा कोर्स इसको अलॉट हुआ इसका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जो अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी नेम जिस जो भी कॉलेज है उसका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, आगे की प्रोसेस के लिए सारे ऑप्शन आपके फीस जो भी फीस है आपका 10,000 रुपये सीट लेने के लिए एक्सपेक्ट करने के लिए जो भी आपका प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड राउंड के बाद आप जो है थर्ड राउंड आने के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस बार जो है आपको कितनी रैंक तक जो है BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। तो लास्ट राउंड में आपको सबको पता है कि 6,000 या 6,500 तक समथिंग आपको मिल दिया गया था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 7,000 या 7.5 या 8 तक आपको सीट BSc एग्रीकल्चर किसी स्टूडेंट ने अपग्रेड किया है तो उसको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। तो हॉर्टिकल्चर के लिए OBC और जनरल की हम बात करें, हॉर्टिकल्चर के लिए आपको 8.5 या 9 पे आपको सीट मिल जाएगा। फॉरेस्ट्री की बात करीजिए तो इस राउंड में आपको थर्ड राउंड में 10,000, ठीक है, 11,000 तक सीट फॉरेस्ट्री का किसी ना किसी स्टूडेंट को मिलेगा यदि उसकी चॉइस फिलिंग अच्छे से हुई है, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है BTech कोर्सेज के लिए, तो उनके लिए इस राउंड में जो BTech के लिए 16,000 तक सीट है वो अलॉट हुई थी, ठीक है। उसके बाद में अब जो BTech के जितने भी कोर्सेज हैं तो उनको 25,000 या 26,000 जितना भी उनका रैंक है, ठीक है, उन पर सीट अलॉट हो जाना चाहिए। देखते हैं कि उनको सीट अलॉट होता है कि नहीं। अभी थर्ड राउंड का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा 1 या 4-5 घंटे के बाद। तो आप भी इसको देख सकते हो, जिनको जो भी कोर्सेज अलॉट होता है वो हमें कमेंट करके बाद में बताएं, ठीक है। और जब भी रिजल्ट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर दे देंगे। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है वो आगे की प्रोसेस है वो आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ
समझ में आ जाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, जब भी आपका रिजल्ट है थर्ड राउंड का आ जाएगा। मोपर राउंड की प्रोसेस को हम एक बार फिर वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा देंगे कि कौन कौन से उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, क्या उसके आगे की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है जिनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो हमें कमेंट करके हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।